द फ्री प्रेस कीपिंग प्रेस फ्री एंड जर्नलिज्म क्लीन। लगभग एक साल से इस बात की बहुत चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का गौरव विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत बढ़ाया है। हाँ, विदेश बहुत जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और काफ़ी खबरें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, बहुत कुछ होता है, अच्छी बात है, देश का गौरव बढ़ रहा है तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन इसमें आजकल हाइप का ज़माना है, और हाइप देने में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, रूलिंग डिस्पेंसेशन के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं हाइप देने के लिए। हर चीज़ को हाइप दिया जाता है, नामुमकिन को मुमकिन करने की का श्रेय लेते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती, टेररिज्म जिसके खिलाफ आजकल बहुत ज़ोरों में बोला जा रहा है और क्लेम्स किए जा रहे हैं कि हमने टेररिज्म को ध्वस्त कर दिया। अच्छा, बहुत बड़ा काम किया, पर जो बालाकोट में हुआ उसमें कोई शक नहीं, इंडियन आर्मी एयरफोर्स डिज़र्व करती है और गवर्नमेंट को जाहिर है क्रेडिट भी मिलता है उसका। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि जो टेररिज्म का सोर्स है, एक जो सबको मालूम है मसूद अजहर जो हैं, उन जैश ए मोहम्मद के चीफ, जिसने जिसका कैंप क्लेम किया जाता है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बालाकोट में, जो ट्रेनिंग कैंप था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है। जी हाँ, चाइना उसके सपोर्ट में आ जाता है, और चाइना ने फिर अभी आपने देखा कि किस तरीके से उसको लिस्ट करने के अगेंस्ट, उसको लिस्ट करने एज ए टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट, उस अपनी वीटो का फिर से एक्सरसाइज किया। ये चौथी दफा है कि चाइना आउट ऑफ द वे जाकर के इस शख्स को प्रोटेक्ट करा रही है, और सबको मालूम है कि चाइना ओपनली साइड करता है विद पाकिस्तान। लेकिन हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों बहुत उत्सुक रहते हैं चाइना से दोस्ती बढ़ाने में, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डालने की कोशिश करते कि भाई ठीक है, आप हमसे दोस्ती बढ़ाइए, अच्छी बात है, हमारा ट्रेड बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड है चाइना के साथ, इंडिया का सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं चाइना एंड इंडिया। लेकिन जो देश का इतना बड़ा दुश्मन है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसको अगर चाइना प्रोटेक्ट करता है तो हमें एडिक्वेट स्टेप्स लेने चाहिए, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए कि चाइना को हम प्रेशराइज करें। ठीक है, आप लेके चाइना के ऊपर आप बम लेकर के नहीं पहुंच सकते, बंदूकें लेके नहीं खोल सकते उनके फ्रंट, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर तो डाल सकते हैं आप। आज बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो ग्रोथ हुई है ट्रेड की, पिछले एक डेकेड में 125% ट्रेड बढ़ा है। जो ट्रेड किसी ज़माने में सिर्फ लगभग $30 बिलियन का था, $30 बिलियन का, वो आज की डेट में पिछले साल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से $72 बिलियन का ट्रेड है। और जाहिर है कि इसमें चाइनीज़ गुड्स का इंडिया में, जो इंडिया में डिमांड है और जो सेल है वो कहीं ज़्यादा है इससे, इसके बनस्पत कि हमारे गुड्स वहाँ जाते हो। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट फॉर चाइनीज गुड्स, और ये चाइना बखूबी जानता है। ये इसको रोकने की बातें बहुत होती हैं, बीजेपी के निचले स्तर पे इस तरह से बार बार बातें उठती हैं कि साहब चाइनीज गुड्स इस्तेमाल मत करिए, चाइनीज गुड्स मत लाइए। तो भैया, सरकार आपकी है तो चाइनीज गुड्स को रोक दीजिए आने से, आपको ताज्जुब होगा सुनकर के। इससे उनको, उनके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, इतना बड़ा इशू है, एक तरफ आपका देश का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको चाइना प्रोटेक्ट करता है, दूसरी तरफ हम चाइनीज गुड्स बाकायदा, खाली आम आदमी नहीं खरीदता है, गवर्नमेंट ने कई बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स दिए हैं चाइना को अपने टेलीकॉम सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर्स में चाइनीज गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ कई दफ़े नुकसान भी होता है,
हो सकता है अगर आप चाइना से ना लें कहीं और से लें तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन क्या वो कॉस्ट टेरर से लड़ने की कॉस्ट से ज़्यादा है? मेरा ख्याल तो नहीं। टेरर से लड़ने के लिए हमें जो मेजर्स लेने चाहिए वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं बनस्पत इकोनॉमिक ट्रेड के। कहीं क्यों नहीं ये होता है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इससे नेचुरली एक शक पैदा होता है कि क्या आप वाकई में टेरर से लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, या टेरर का के खिलाफ लड़ाई का महज इलेक्टोरल गेन्स के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ये आज तो बड़ी गर्मी दिखाई जा रही है, और अगर यही रवैया रहा कि चाइना अजहर मसूद को प्रोटेक्ट करता रहे और हम आंख बंद रखे रहें, तो आगे चल करके इस तरीके के पुलवामा और भी हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम जब तक ये आदमी लॉजिकल कंक्लूजन्स पे ले जा करके इसका खात्मा नहीं होगा, और अगर ये इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाता है तो इसके लिए तमाम मुश्किलें आएंगी। इसकी जिस तरह फंडिंग हो रही है, इसको जो स्टेटस मिला हुआ है, पाकिस्तान को इसे प्रोटेक्शन देने के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सिर्फ चाइना इसके प्रोटेक्शन में, इसको बचाने में ढाल बना हुआ है। इस ढाल को तोड़िए अगर आप वाकई टेरर से लड़ना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं कि आप सिंसियरली कमिटेड हैं टू फाइट अगेंस्ट टेरर। देन एक्सरसाइज योर राइट, शो, आप दिखाइए कि हाँ हम वाकई में, हम चाहे कुछ हो जाए हम चाइना के प्रेशर में नहीं आएंगे। ठीक है, आप चाइना के साथ जंग मत करने को कोई नहीं कह रहा है, जंग सोल्यूशन भी नहीं है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रेशर डाल सकते हैं तो आपको डालना चाहिए। और ये बोलना बंद करिए कि लोग चाइनीज़ गुड्स ना लें। आप चाइनीज़ गुड्स आने ही मत दीजिए, नुकसान इससे चाइना का होगा, इंडिया का नहीं होगा, इंडियंस का नहीं होगा। और तब चाइना मजबूर होगा ये सोचने के लिए कि क्या उसको अपने गुड्स अपनी इकॉनमी के खातिर इंडिया में बेचने हैं, या अजहर मसूद उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, तो इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएं, तो हमें यकीन होगा और हम भी उनको सलाम करेंगे।